देखो हाथी है तो हमें क्यों देखो इसका जितना भी बेटा है बेटी है सब सब ऑफिसर है। चलो इसको पहले तोड़ देते हैं। भैया गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। गाइस अभी सुबह सुबह का 4 बज गया है, अभी तो दिन हुआ नहीं है पूरा, अभी तो अंधेरा ही है। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ इमरजेंसी काम के लिए, मेरे ऑफिसर का गांव में जाने के लिए, कोई एक तो देहांत हो गया बोला है, इसलिए हम लोग इमरजेंसी में अभी निकल रहा है। बहुत साल का बाद हम जा रहे हैं उसका गाँव साइड पे। समय ठीक होने से ऑफिसर का माँ पिताजी बहुत प्यारा है, उसको भी मिलाएगा, उसका जितना बेटा बेटी है सब ऑफिसर है, कोशिश करेगा आप लोग को मिलाने के लिए। बहुत बुरा बुरी भी हो गया और सार का गांव को भी अगर सकता है बोलने दिखाएगा, तो आप लोग बने रहना गाइस। वंस अगेन गाइस अभी सार को ले लिया, मेरा ऑफिसर को लेके अभी निकल गया। अभी हम लोग अरुणाचल अंदर में ही है करसंग सा, अभी जस्ट थोड़ा आगे जाने से हम लोग असम पहुंच जाएगा। और हम सर सर ऑफिसर बोलते रहता है ना, ये है मेरा ऑफिसर, ये देखो ये मोबाइल में वीडियो के बेटा है, और हम गाड़ी चला रहे हैं। चलिए अभी हम लोग एक कई होटल में पहुंच गया, अभी सुबह सुबह देखो खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट खाना फटाफट खा लेते हैं। वैसे तो सुबह सुबह खाना तो कभी इतना सुबह खा के नहीं देखा, खा रहे नहीं। मुझे एकदम मटन मटन मीट का था। अभी और 200 किलोमीटर जैसे जाना बाकी है, देखता है कब पहुंचता है, कोशिश कर रहा है स्पीड दबाने के लिए। गाइस अभी खाना साना खा के हो गया, अभी सार हम लोग निकल गया, अभी ये बोगी बिल ब्रिज में जा रहा है, चेक होता है, देख सकता है, देखो गाड़ी रहेगा बहुत ही बढ़िया है, स्टैंडिंग होगा, हम ऊपर में उड़ रहा है जैसे भी लगता है, नीचे पूरा नीचे में तो पानी है ना, और नीचे से देखने से बादल बादल भी देखे देगा नीचे से, ये देखो नीचे में पानी है। गाइस हम लोग डिब्रुगढ़ पार हो चुका है, अभी पार हो के यहाँ में देवमली टाउन को पहुंचने से पहले यहाँ में एक तो पूरा घने जंगल एक तो मिलता है, लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है यहाँ में, ये देख सकता है। और यहाँ में एक जगह में हमेशा हाथी निकलता है, जंगली हाथी, और वो जगह को हम दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। अभी है ना नहीं हाथी, और इस तरफ देख रहा है, इस तरफ ये साइड में देख रहा है ना, यहाँ में नमक पानी होता है, इसमें खाने आते हैं हाथी लोग ज़्यादातर, देख लेते हैं इस तरफ ये किनारे में हमेशा करा कर देखो वो देखो गाइस उधर करा है एक, तो वो देख रहे हैं ना आप लोग, बहुत लंबा दांत लग रही है, आगे भी देखो तेरे का मेरा नाम खराब हो गया। फाइनली गाइस हम लोग देवमाली पहुंच गया, 20 किलोमीटर जैसे और जाना है सार का गांव तक। सार का घर भी यहाँ में टाउन में भी है, गांव में भी है ना, अभी हम ये देवमाली टाउन में पहुँच गए। ये देवमाली का पेट्रोल पंप और ये मेन मार्केट देवमाली का, और मेरा ऑफिसर जो यहाँ में कुछ सामान लेने गया अंदर में। हेलो गाइस अभी हम लोग ये मेरा ऑफिसर का घर में पहुँच गए, देवमाली घर में। ये सार का एंट्री गेट है, इतना सुंदर से बनाया, और यहाँ से घुस के देखो ये इतना बढ़िया तोकोपट्टा, और ये पुल ही पुल, पूरा पुल लगाया हुआ है, देखो सुंदर सुंदर पुल, काली पुल है यार एग्जैक्ट सीजन में आया है पुल निकालने का। और ये जो है मेरा सार का घर है, और संतरा भी पक रहा है, देखो 3-4 तो पक के बैठा हुआ है, ये भी सब्जी का है, ये घास को भी उसका फ्रूट भी होता है, वाइल्ड फ्रूट है इसमें, और पट्टा को भी खाया जाता है,
ये सार का घर है और ये सार का बड़ा भैया का घर है और ये भाई का घर है। सबका सब ऑफिसर है, बहुत बड़ा बड़ा ऑफिसर है। जहाँ मैं नौकरी करते इतना में सबका सब माटी भी है और बस्ती में भी है। ये बढ़िया लग रहा है, जो बोला चारों तरफ भाई भैया घर बना के रखा और बीच में ये माँ और पिताजी किचन, लोकल किचन बना के रख दिया। जो भी बोला बढ़िया लग रहा है। ये देखो इतना सुंदर पूल। ये माँ और पिताजी का किचन, सर बेटा बोल काम करी ऐसे ये सर का माँ है। ऑफिसर ऑफिसर अच्छा जन्म देने वाला माँ है। सबका सब ऑफिसर है यार। देखो रहा ये भी राजा कांडल का है। रानी है, रानी स्पोर्ट से निकल गया क्या जगह से? ये देखो ये पिताजी ये है सर का पिताजी। बहुत बुढ़ा हो गया, बहुत जवान हो गया, बहुत कोई नहीं बोल सकते ये जवान बोलो बोल रहे हैं, बुढ़ा मत बोलो बोल रहे बाबा। तो हमें चीनी पाले ना चीनी पाई थे अभी तो भाभी से आपने हमें चीनी पुआई नहीं बोली बोटा आई थे वही तो ये है गाइस। इसका जितना भी बेटा है बेटी है सर इसका सब ऑफिसर है। बड़ा बेटी भी ऑफिसर ना, बड़ा बेटा भी ऑफिसर, अब ये मेरा सर भी ऑफिसर, उसे सबसे लास्ट बेटा भी बैंक मैनेजर, ऐसे करके ये पूरा देखो ना इतना बड़ा बड़ा बच्चा को जन्म दिया, इतना जानने वाला बच्चा। अब यहाँ में आराम से यहाँ में दिन भर देखते रहते और रेडियो देखो फिक्स रेडियो, रेडियो इसका सहारा है। और ये गेटिस या बैठते रहेगा बदमाश वाला को मारेगा बोलते हैं। कि सोरा ही मारे ना कि मारे वो देखो चिड़िया भी मारते हैं बोला है, चिड़िया मारते हैं ना बहन। मुर्गी लोग भी बदमाश होने से मार देते हैं बोला है। खाना वाला है ना नहीं खाना वाला भी बहुत है वही। अपने आजकल बीरी ना खाए नहीं बीरी खाए रेडियो बिरयानी देखना एक ता एक बार स्पेशल बिरयानी चले आमी किमान महीना कैसे ए किमान महीना खाबो आ महीना में ओ तो इमा जे जली ए तो बाल बिरय आसे लेना आमी शिलापत्तर पर रे खूब भारी बात बिरय आ ओ ए तो आको आनी दिम ना ए तो बिरय यात ना पाए ना हमार शिलापत्तर ते पाए ओ कतेबा स्पेशल बिरी कोए आपनार कुआ तो बांदर बिरी बांदर एतु मक्का बे ओ स्पेशल बिरी तो ना एतु मुही बोलबे बाल लागे अब मय एक दिन सिला बस्ती जाले हां सिला पता पड़ा आली दिन बहुत टेस्टी आसे एतु आमी भी आगत कैसे लेना बिरी हां एतु ये कैसे ले आमी भी ओरु मय ना क्लास 6 7 पोरानते आमी भी बिरी पाम बिरी पीते आर तमुल कोद आसे कतम जब भी आएगा हम माँ का साथ एक दो तो तमुल का आता है और चार लोग भी आने से कहता है देखो हम भी अभी माँ का साथ थोड़ा तमुल का आएगा क्या चीज है ना सर ये क्या चीज ये हम लोग साली बोलते हैं पेड़ का वो है क्या बोलते हैं बाकुली तो ये तमुल और पान तो लास्टिंग नहीं होता ना वही 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 ये बहुत देर तक लास्टिंग चबाते रहते हैं पता है ना सर
इधर आने से माँ का चटोरा काटे हम भी आने से देखते रहते हम भी। ये गाइस ये सारलुक का घर का बैक साइड में हम घूम रहे, देखो थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं। पूरा तमुल गाछ, तमुल बागान, पूरा तमुल बागान, ये देखो तमुल ही तमुल पीछे साइड में माँ के लिए। माँ बहुत तमुल काटे, अभी हम लोग जस्ट साथ में भी खा रहा था। ये एक एक अगर आज रात को हम यहाँ में रहेगा तो एक एक तो एक जरूर खाएगा, नहीं तो अभी निकल रहे थे ना, नहीं तो हम खाना था। देखो हम इधर वापस आने से हम तोड़ के ले जाएगा इसको, ये देखो पूरा होने पर तब बहुत ही कोई खाने वाला नहीं है। देखो पुल तो बहुत है गाइस, आसपास पूरा पुल ही पुल, देखो एकदम बढ़िया गुना रहे। और ये भी देखो, और ये आउटेंगा घास, बाहर जाना जरूरी नहीं है, हमें आउटेंगा गुटी है। कितना मजा है। और ये तो बहुत बड़ा हो गया तमुल। नींबू देखो यार, ईटानगर में हम लोग ना दाम दाम से खरीद के खाते हैं, शहर का घर में तो नींबू बोलते अंदर अंदर में पक गया, पूरा पक गया। देखो इसको हम लोग रबा बोलता है, इतना बड़ा बड़ा है, पूरा देखो गिर के बैठा है, कोई माँ बाप नहीं है यार, देखो खाने वाला नहीं है। देखो ला देखो ऐसे पूरा बढ़ती गुटी यार, ले जाएगा हम ईटानगर ले जाएगा। ये भी देखो भाई युगचक का घास है, यहाँ में सीजन में बहुत गुटी लगता है, क्योंकि बाजार में खरीदने से बहुत दाम होता है ना युगचक का गुटी भी। और ये नीचे में देखो युगचक का नीचे में तो वहाँ तो पूरा नींबू का भंडार है, पूरा पूरा नींबू लुक है, यहाँ में पूरा नींबू लुक पक के बैठा हुआ है। वो लोग सब बाहर में नौकरी करता है ना, कभी कभी आके ही देखता है, इसलिए माँ पिताजी का साथ में दो तो काम करने वाला है, वो लोग ही साथ में देखता है। ये सब्जी खाने वाला, ये दाल में लगाने से और मिर्ची में लगाने से बहुत टेस्ट होता है, नहीं देखो ऐसे पड़ा हुआ है, कोई खाने वाला है ही नहीं। ये तोकू पट्टा का गुटी है, इतना टेस्ट होता है ये भी, बाप रे बाप, ये देखो सामने से ऐसे दिखते हैं। ये पकने से ना इतना टेस्ट होता है, खाना का साथ भी चटनी बना के खाते हैं। वाह इतना सुंदर फूल यार, ये देखो बागान का बीचों बीच में सबसे सुंदर इसको ही लगा, इतना फूल है। लेकिन देखो इधर भी कॉल है, ये पकने वाला है। गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं सरका गांव में, वापस आके हम यहाँ में कुछ कुछ तोड़ के ले जाएगा यहाँ में, हम जो जो आप लोग को देखा है ना वहाँ से, यहाँ में तो पूरा सर के खराब होके देता है, उससे बेहतर हम थोड़ा ले जाएगा, जितना ले सकता है ले जाएगा, उधर किसी को देगा नहीं तो खाएगा। तो गाइस फाइनली फाइनली सर हम दोनों ये जिसके लिए हम लोग 200 किलोमीटर ज़्यादा ये कवर करके आया है ईटानगर से, वही जगह गांव में हम लोग पहुंच गया अभी। तो जिस घर में प्रॉब्लम हुआ है उस घर में सर चला गया, हम यहाँ में टॉप में रास्ता किनारे में खड़ा है, ये सार अभी निकलेगा, टाइम नहीं लगेगा, तो मिल के आना है। सार का गांव को आप लोग को दिखाएगा, उन का गांव देखो कितना सुंदर है, इतना सुंदर गांव, और आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ में गांव है बोल के ना। देखो छोट बीच बीच में घर दिखाई दे रहा है, लेकिन घर यहाँ में बढ़ती है, घास लोग पूरा ढक के रखा हुआ है। ये देखो ऊपर इतना पहाड़ भर, यह हरियाली हरियाली एकदम हरियाली, उधर जितना पहाड़ है ना पहाड़ का दूर दूर में भी गाँव, उधर भी एक तो है, उसे बोलो ऊपर में भी टॉप में पहाड़ में भी एक तो गांव दिखाई दे रहा है, आप लोग को देखा ही नहीं देगा लेकिन हमको देख रहे हैं। इसी प्रकार गाइस यहाँ में यहाँ का लोग हमेशा टॉप को ही प्रिपेयर करता है घर गांव बसाने के लिए, क्योंकि पहले ज़माने में लड़ाई बहुत लड़ता था ना, इसलिए हमेशा टॉप को चुनता था बोला है ना, नीचे में कोई नहीं बैठता है, टॉप पहाड़ का टॉप में बैठता था बोला है, इसलिए वही रिवाज अभी तक यहाँ में चल रहा है। तो
फिर भी पानी तो आ जाते हैं, नीचे से पानी तो नीचे में होता है, ऊपर में टॉप में पानी तो आ ही जाता है, पहुँचा देते हैं कैसे करके आता है लेकिन तो पता नहीं। इधर पाइप लाइन भी है, आप लोग को दिखाएगा। फिर हम लोग का एरिया में तो इतना टॉप को नहीं ढूंढता है ना, थोड़ा टॉप नहीं होने से हम लोग का, फिर हम लोग का ट्राइब जो है पानी किनार को ज़्यादा ये करता है ना, प्रिपेयर करता है बस्ती बनाने के लिए, गांव बना बसाने के लिए ना। यहाँ में पानी से कोई मतलब नहीं है, टॉप में होना है ऐसे। अरुणाचल में बहुत अलग अलग किस्म का ट्राइब लोग रहता है, अपना अपना एक ट्रेडिशन वे ऑफ घर बनाना, वे ऑफ पूजा पाठ करना भी सबका अलग अलग है। अरुणाचल में सब पहाड़ में है जरूर, एकदम हरियाली का बीच में बढ़िया लगा है। अपना गांव है लेकिन हम लोग का गांव ऐसे पहाड़ का ऊपर में नहीं है ना, इसलिए अरुणाचल का खुद होके भी कभी कभी दूसरा को इतना अच्छा लगता है अपना अरुणाचल का दूसरा गांव लोग को ना। देखो गाइस, इतना टॉप पहाड़ में भी पानी का नल लगाया हुआ है। देखो वच्चतंग बस्ती, सालू का बस्ती को अभी यहाँ से थोड़ा क्लियर दिख रहा है, वो पूरा बस्ती देखो यहाँ, पहले वहाँ से दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ से चर्च भी ऐसे देखते हैं, वच्चतंग बस्ती चर्च, चार लोग का बस्ती का नाम है वच्चतंग, बढ़िया लग रहा है। फाइनली गाइस हम लोग आ गया और सर का गांव से, अभी हम यहाँ से तोड़ के ले जाएगा, मिसेस बहुत पसंद करता है इसको ना, ये देखो इतना जोर के वो घर में पका के खाएगा। इस पर घर में रखने से पक जाएगा, और यहाँ से नींबू भी तोड़ेगा, देखो इतना बड़ा बड़ा वाला नींबू यार, देखो भैया इतना ज़्यादा नींबू नींबू, बाप रे बाप, ये मट्टी का नीचे में भी है, देखो मट्टी को टच करके बैठा हुआ है। फिर ये गाइस देखो, ये अलग प्रजाति का है, ये देखो मौसमी जैसे है, इसका टेस्ट अलग होता होगा, देखो ज़्यादा नहीं लेगा, दो तीन तो ले लेगा, और अभी यहाँ से लेगा। तेरा वीडियो देख के हमको भी ला देना था, मत बोलो हाँ। इतना ज़्यादा है गाइस, चलो चलो इसको पहले तोड़ देते हैं। सबसे बड़ा वाला ये लगता है, ये देखो भैया, और ये यहाँ से भी तोड़ के ले जाएगा गाइस, देखो इतना ज़्यादा है तो पूरा सूख रहा है, अभी हम तोड़ेंगे यहाँ से भी। हो जाएगा, इतना काफ़ी है, देखो ठीक से उठा के ले जाएगा। आमा हम लोग आ गया बस्ती से, ओ देखो बुर्सली का पिताजी, बुर्सली का पिताजी उधर बैठा हुआ, हाँ वो आस्ते आस्ते जाओ बोल रहे हैं, ओए ओए अब ओए ओए ओए। तो अभी हाँ लोगों लोग अभी तो नींबू भी तोड़ी लूँ, रेबा भी तोड़ी लूँ, और ये पत्ता भी तोड़ी लूँ, आरु इतने लो ही जाओ ईटानगर तिक से खाबो। फिर एक बार खाएगा माँ का साथ तमूल लोग पावो ना, तो गाइस अभी हम यहाँ से निकलेगा सार का घर से, माँ और पिताजी दोनों इधर बैठ गया, और फिर एक बार ये कंपाउंड को एक बार राउंड मार के फिर से एक बार दिखाएगा, ये भाई भैया तीनों का घर एकदम सामने सामने में है, बीच में पिताजी का घर पहले दिखा चुका है ना, हम लोग भी ऐसे कर सकते हैं, कितना अच्छा था।
गाइस अभी हम लोग निकल गया सार का घर से, अरुणाचल से अभी आसाम पहुंच गया। ये चाय बगीचा का बीचों बीच से हम लोग निकल रहे, अभी डायरेक्ट जाएगा ईटानगर। देखो अभी अंधेरा हो गया, पहुंचते पहुंचते 10-11-12 बज जाएगा हम लोग ईटानगर। चलो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ में एक होटल में रुक गया, सुबह खाया था, सुबह 5-6 बजे से आया था, अभी फिर किसा 8 बजे ऐसे कुछ हो गया, अभी फिर खाएगा डिनर ये ओयो होटल में खाएगा। ओयो होटल है, बहुत बार सार का साथ जाके खाया, आज भी खाएगा, खाना सब्जी बहुत टेस्टी बनाते हैं। और ये है होटल, ये देखो इतना बढ़िया से जाके दिया है असमिस ताली। गाइस आधा मोरा भूख लग रहा था, अभी दबाएगा ठीक से, हम दबा दूँ पाएगा हाथ मिट का सब डाक मिट डाक मिट। फाइनली गाइस 500-600 किलोमीटर आज दिन भर गाड़ी चला चला के अभी फिर से अपना इलाका ईटानगर में वापस आ गया है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। देखिए ये है सबूत का तौर पर, ये कैपिटल ईटानगर, कहाँ कहाँ जाके आज फिर से वापस आ गया। देखो गाड़ी का कमाल। ये है कल का लाया वाला सारा घर से, पूरा गाड़ी में ही रखा है। ये देखिए यहाँ में पूरा भरती है, ये यहाँ में अभी उठा के घर में रखेगा। हेलो गाइस, हेलो, मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था, क्या कह रहा हूँ हम फिनिश नहीं कर पाया, अभी सुबह हो गया। ये तोतो भाई अभी स्कूल जा रहा है और ये लोग अभी रेडी, ये भी मेडिकल जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस इसी प्रकार आज का ब्लॉग को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं और एक अच्छा ब्लॉग में। हाँ सब। Once again.